नमस्कार, वर्ल्ड ऑफ न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं सुपर 20। तो रुक करते हैं 20 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले पीएम मोदी, पीएम ने भारत आने का दिया न्योता। कमला हैरिस का पाकिस्तान पर निशाना, कहा वहां आतंकी संगठन सक्रिय। पीएम मोदी ने की जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा से मुलाकात, व्यापार और सांस्कृतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान, धर्मेंद्र प्रधान बोले हर समाज का सहयोग मिलेगा। दिल्ली में होगा पहला सहकारिता संगम समारोह, अमित शाह कोऑपरेटिव को लेकर देश में देंगे नया विजन। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली, किया टीम का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के किसानों को दी राहत, जमीन अधिग्रहण मामले में बढ़ाई मुआवजा राशि। वायुसेना के अगले डिप्टी चीफ होंगे एयर मार्शल संदीप सिंह, वीआर चौधरी की लेंगे जगह। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सुनवाई को टालने के अनुरोध को ना माने अदालत। मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का हुआ पर्दाफाश। ममता बनर्जी की लोगों से अपील, अगर मुझे सीएम देखना चाहते हैं तो हर हाल में वोट डालने पहुंचना। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, बोला मुख्यमंत्री की दिलचस्पी जनता की सेवा में नहीं। संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा बीजेपी से विलय नहीं करेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। जेल में आनंद गिरी की हत्या की आशंका, वकील ने की सुरक्षा की मांग। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास, सेंसेक्स ने पहली बार 60,000 का आंकड़ा छुआ। शारजा में आज सीएसके और आरसीबी में मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बीटीएस और कोल्डप्ले का नया सॉन्ग माई यूनिवर्स रिलीज, दिल को छू लेने वाला लिरिक्स मचा रहा है धूम। सुपरस्टार मोहनलाल ने फिर दिखाई दरिया दिली, अचानक वीडियो कॉल से फैन को दिया सरप्राइज। दिशा परमार ने बिकनी लुक में उड़ाए फैंस के होश, एक्ट्रेस का फोटो हो रहा जमकर वायरल। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो सके।